हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे रियलमी मोबाइल के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी रियलमी मोबाइल है, चलते चलते बंद हो चुका है, ऑन नहीं हो रहा है, या तो आपने रीबूट किया उसके बाद जो है मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, या तो आपने अपडेट किया, सिस्टम अपडेट किया और उसके बाद जो है मोबाइल ऑफ हो गया और ऑन नहीं हो रहा है, अगर आपका ऐसा वाला प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो को देख के अपना मोबाइल को ऑन कर सकते हो। क्योंकि ऐसा बहुत सारा मुझे कॉल आया है, मेरा जो दूसरा चैनल है अनोखा टेक्निक नाम से, उसमें मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। अगर आपका कोई भी मोबाइल में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। तो मेरे पास बहुत सारा कॉल आया है और वही चीज़ बोल रहा है, मेरा मोबाइल जो है चलते चलते बंद हो गया, ऑन नहीं हो रहा है। तो आप उसको कैसे ऑन करोगे वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हुआ है, अभी सब कुछ ठीक है, रियलमी का मोबाइल है, रियलमी का कोई भी मॉडल है, तो आप इस वीडियो को अच्छा से देख लो। क्योंकि कभी भी अगर आपका मोबाइल स्विच ऑफ होता है तो आप भी वैसे ही ऑन कर सकते हो जैसे मैं तरीका बता रहा हूँ। और बहुत सारा चीज मैं बताऊंगा वीडियो में, आखिरी तक बने रहना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका रियलमी का मोबाइल अभी अभी अपडेट करना चाहते हो, मतलब सिस्टम अपडेट आया है अपडेट करना चाहते हो, तो एक चीज ध्यान रखना कि आपका इंटरनल स्टोरेज मिनिमम 15 GB जैसा खाली रहना चाहिए, 10-15 GB खाली रहना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपका मोबाइल जब रीबूट होके, मतलब अपडेट होने के बाद जब मोबाइल रीबूट होगा, बंद हो जाएगा, ऑन नहीं होगा, क्योंकि उसको ऑन होने के लिए जो स्पेस चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो आपका इंटरनल स्टोरेज जो है करप्ट हो जाएगा, मतलब आपका EMMC IC जो है खराब होने का पूरा चांसेस रहता है। दूसरा चीज है, अगर आप अपना मोबाइल को स्विच अप करना चाहते हो तो कोशिश करना कि चार्जिंग लगा के स्विच अप करना। अगर आपका मोबाइल ऐसा प्रॉब्लम कभी कभार हो चुका है कि आपका मोबाइल स्विच अप हो जाता है, फिर ऑन करने से नहीं होता है, फिर जो है कभी कभार ऑन हो जाता है, तो आप मोबाइल को चार्ज में लगा के स्विच अप करके ऑन करना, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा चीज है, अगर आपका मोबाइल स्विच अप हो चुका है, ऑन नहीं हो रहा है, रीबूट किए थे, कुछ भी किए थे, ऑन नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम का प्लस माइनस और पावर बटन तीनों को एक साथ दबाना, आगे पीछे नहीं दबाना, तीनों को एक साथ दबाना और दबा के 10-30 सेकंड 40 सेकंड तक दबा के रखना, तो क्या होगा ना, आपका मोबाइल जो है ऑन हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है तो दो प्रॉब्लम हो सकता है, पावर आईसी प्रॉब्लम हो सकता है, या तो EMMC आईसी प्रॉब्लम हो सकता है, या तो CPU आईसी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो जो है आप घर में ठीक नहीं कर सकते हो, तो आपको नियर बाय किसी रिपेयरिंग शॉप में जाना पड़ेगा, या तो आप अगर हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आपका मोबाइल हमारे पास भेजते हो तो हमारे पास से भी कम से कम पैसा में हम आपको रिपेयर करके आपके पास भेज देंगे। मैं उड़ीसा से हूँ, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, अगर कहीं पे लेके जाते हो मोबाइल रिपेयर करने के लिए, बहुत ज्यादा पैसा बोल रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके अपना मोबाइल को भेज के ऑल इंडिया से कहीं से हो रिपेयर करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ फेसबुक में, इंस्टाग्राम में शेयर कर दो। और अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छा लगा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।